सचकों वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखजीत मान। करोना महामारी का कहर लगातार वाधा जा रहा है। कहर वधन के कारण ही पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि हफ्ते के अखीरले दो दिन पंजाब मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इस वक्त असी खड़े हैं बठिंडा के मैणा चौंक, जिथे आम दिन बड़ी चहल पहल आती है, तो इस वेले बाजार पूरी तरह बंद ने। तुसी मेरे पिछे देख सकते हो, दुकाना पूरी तरह बंद ने। तो जिला प्रशासन अते पुलिस ने कल शामी दुकानदारां नूं सुचेत कर दिता सी कि सवेरे शनिवार नूं कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। यह प्रशासन के सुनेहे का ही नतीजा है कि सिर्फ जरूरी वस्तां दीआं चीज़ां, दुध अते दवाइयां आदि दुकानों नूं छड्ड के बाकी सब दुकाना बंद ने। करोना के बद रहे प्रभाव के मद्देनज़र पंजाब सरकार वालों हफ्ते के अंतले दिनों लॉकडाउन ते रोजाना शाम 7 बजे तो सवेरे 5 बजे तक रात के करफ्यू का ऐलान किया गया। लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लैण लई अज जदों सचकों की टीम बठिंडा शहर च गई तो जरूरी वस्तां दीआं दुकानां नूं छड्ड के बाजार पूरी तरह बंद सन। बस अड्डे चों PRTC दीआं बसां चल रही सन पर सवारियां घट ही विखाई दित्तियां। सरकार ने बसां ते होर जनतक आवाजाई के साधनां नूं 50% समर्था अते निजी 4 पहिया वाहन नूं प्रति वाहन 3 सवारियां तक चलाउण दी आग्या दित्ती है। आम दुकानदारां समेत दिहाड़ीदारां ते होर कारोबारियां दा तर्क है कि करोना दे पहले लॉकडाउन ते करफ्यू तों बाद हुण कामकाज पटड़ी ते आउण लग्या सी, पर हुण फिर 2 दिनां दा लॉकडाउन शुरू हो गया। उधर मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह दा कहना है कि जेकर फिर भी निजमां दी पालना ना कीती गई तां 31 अगस्त तों बाद पूरी सख्ती करनगे। उन्हां स्पष्ट कहा कि पंजाबियां दी जान दी राखी लई हर सख्त कदम चुक्कण तों कदे भी पिछे नहीं हटणगे। बाजार भावें पूरी तरह बंद ने, पर PRTC दियां कुछ टावियां टलियां बसां वख-वख रूटां ते चल रही ने। जिला प्रशासन की लोगों को अपील है कि वह पंजाब सरकार के हुक्मों की पालना करन। जे कोई हुक्मों की उलंघना करेगा तो उन्हां खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मनप्रीत मान दे नाल सुखजीत मान, बठिंडा। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।